कि चंद रोज पहले हमने आपको बताया था कि लाहौर के स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त लंच दिया जा रहा है, लेकिन कराची के एक शहरी भी अब मैदान में आए हैं और वो औरंगी टाउन के स्कूल्स में 500 बच्चों को फ्री में लंच फराहम करें। फैसल, आप ब्रेकफास्ट करके आए? ऑब्वियसली अभी अभी हमारे भी लंच का जो है वो एहतमाम हो गया फैसल की तरफ से, हुआ बिरयानी का। नवीद जलानी साहब, ये आप ऐलान भी करवा देना, ये जुमा भी है आज, लेकिन नवीद जलानी साहब भी मौजूद है हमारे साथ स्टूडियोज में जिन्होंने ये स्टेप लिया। तो सर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, मेरा लंच किधर है? आपका लंच बिल्कुल, आप मेरे साथ चलिए, आपको औरंगी ले जाता हूँ वहाँ पर आपके लिए। ये वो मैं फैजल के साथ नहीं, 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 बिरयानी वाला। लेकिन नवीद साहब, पहले तो ये कि बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ है। वेस्टर्न वर्ल्ड्स में हम देखते हैं कि ना सिर्फ उनको डाइट प्रोवाइड की जाती है लेकिन उनको अदब आदाब और उसके भी नशिस्त और बर्खास्त के भी सारी चीज़ें, लेकिन हम उससे थोड़ा अभी दूर हैं। कब से ये कर रहे हैं सबसे पहले तो ये बताइए। 2020 में तकरीबन 2 साल से थोड़ा सा कम अरसा हुआ है, तो जी हाँ 2020 में कोविड के दरमियान में शुरू किया था, लेकिन वो स्कूल उस वक्त बंद थे, खुलते थे फिर तो 2000। नवीद साहब, हमारे पाकिस्तान ख़ास तौर पे कराची जिसको कहते हैं ना फिलेंथ्रोपिस्ट्स का शहर है, मुल्क भी बड़े दर्दमंद लोगों का है ये, मुख्तलिफ तरीकों से लोग जो है वो इमदाद करते रहते हैं, हेल्प करते हैं। बिल्कुल, तो आपने इस जम में कैसे सोचा, क्योंकि हम अब कहते हैं ना कि यार मैं यहाँ कर दूँ, ऐसे कर दूँ अपने वहाँ, तो ये यहाँ पे इन्वेस्ट करने का अपनी एनर्जीज आपको कैसे? जी वो असल में तो हमें सबको जनरली, हम अखबार पढ़ते हैं और जो भी न्यूज़ आती है उससे हमें ये बात का तो एहसास है कि पाकिस्तान में न्यूट्रिशन का मसला, गज़ाइत का मसला है, और वो जो हमारे बच्चे हैं यंग, उसमें अगर मैं 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों को देखूँ जो कि उनमें तकरीबन 40% ऐसे हैं जो जिनमें न्यूट्रिशन का फुकदान है, और वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब उनके नंबर्स आ जाते हैं। तो ये तो एक जनरल सी बात होगी, तो ये चूंकि आदमी के दिमाग में आपके भी है हमारे भी है, तो मैंने कुछ अर्सा पहले, कोई 3 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, जिसमें उन्होंने उनका केस स्टडी थी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन हमारे हमसाया मुल्क में जहाँ पर वो यही काम करते हैं, स्कूल मील प्रोग्राम, और वो मैंने देखा कि वो जब पढ़ा और बड़ा डिटेल से था, और उसमें वो 18 लाख बच्चों को रोज़ाना खाना देते हैं, विच इज़ अमेजिंग। तो मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई अदारा नहीं है, तो उसके ऊपर मैं काम शुरू करूं, और वो मेरी मोटिवेशन थी। और ये भी है कि जी एजुकेशन के लिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्कूल्स खोलते हैं और अडॉप्ट करते हैं और वो करते हैं, लेकिन ये जो साइड है स्कूल में एजुकेशन भी ज़रूरी है, और लेकिन उनकी न्यूट्रिशन, ताकि न्यूट्रिशन से उनकी डेवलपमेंट मेंटल एंड फिजिकल हो सके, तो ये चूंकि एरिया रह जाता है, तो इसलिए मैंने ये छोड़ा। और हमारी नाम, इदारे का नाम भी फोर्टिफाई एजुकेशन फाउंडेशन है, फोर्टिफाई मतलब मजबूती दे रहा है एजुकेशन को, तो हम मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं एजुकेशन को, जो बहुत सारे लोग हैं। एंड आपने सही कहा, कराची फिलान्थ्रोपी का बड़ा एक शहर है जिसमें बहुत लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो सर, इसका अगर मैं पूछूं कि फंड्स का क्या सीन है, लाइक सब चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप जैसे आप कह रहे हैं कि 2020 में ये स्टार्ट हुआ था और अब माशाल्लाह काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको लंच दिया जा रहा है। तो ये है कि जी जब स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है हमने थोड़े से सीड मनी, जिसको मैं कहूँगा, वो डाल के शुरू की थी, और हम लोग मुसलमान हैं, हमें बड़ा एतमाद होता है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, और यू नो वही हुआ कि अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा नवीद गिलानी चलो, तो बस वो, और वो उसके बाद फंड्स में इस वक्त मेरे दोस्त अहबाब और फैमिली के लोग, उनके तो वर्ड ऑफ माउथ, तो उनसे फंडिंग मिलती है। और हमें पहले जब एक स्कूल में शुरू किया तो वहाँ पर हमने एक मेक शिफ्ट किचन बनाया, फिर हमने प्रॉपर किचन बनाया, फिर वहाँ से तकरीबन 250 बच्चे थे, फिर हमने 2 और स्कूल ऐड किए, 2 जो ऐड किए वो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसी औरंगी के इलाके में, तो 515 बच्चे इस वक्त हैं, और अल्लाह ताला हमें बस प्रोवाइड करता है। स्ट्राइकिंग 2 बर्ड्स विद अ स्टोन जी, कि आप ना सिर्फ, क्योंकि कई इस तरह के मोटिवेशनल प्रोग्राम्स पहले भी किए गए हैं, जहाँ पे एक मुझे मोटिवेशन एक कैंपेन याद आ रही है जहाँ पे बच्चों को स्कूल आने के लिए रागब किया जा रहा था कि आप आएँ तो एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी पेड जी, ये वाली चीज़ें थी। तो ये तो एक चीज़ होगा कि आप पढ़ने इसलिए आएँ क्योंकि देखें आपको लंच प्रोवाइड हो रहा है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। कैसा रिस्पांस आ रहा है अब तक बच्चों का? अमेजिंग जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और समवेयर हम ये मैं ज़रूर इस पर जिक्र करता कि हमारा ये तजर्बा है कि जब हमने शुरू किया तो उसके बाद एनरोलमेंट बढ़ गई, जैसे प्राइवेट स्कूल में तो उसमें बच्चे बढ़ गए, और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उसमें उनके कागज़ों पर तो बहुत
बच्चे होते हैं लेकिन आते बहुत कम हैं, और अब वहाँ पर भी एनरोलमेंट बढ़ गई, अब वो आने शुरू हो गए हैं बच्चे। सो ये एक साइड इफ़ेक्ट है उसका कि जब पेरेंट्स के, क्योंकि गुरबत हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जैसे हम जैसा मर्जी कहें है तो काफ़ी, और काफ़ी स्ट्रेस है गरीबों पर, तो वो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि जी वो खाना हमें जो है वो बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं। पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है कि उनको, तो ये हम इनकरेज करते हैं कि आप और बच्चों को भेजें। सही है। तो सर ये गुरबत, आपने गुरबत का जिक्र किया, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, तो आप इस चीज़ को फेस करें जो पहले चीज़ 60 में मिलती थी 30 रुपए में बढ़ गई। बिल्कुल, वो अब अभी हमने जब वो हम बल्क में कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जैसे ऑयल है हमारा हर रोज़ चूँकि कुक होता है, तो वो भी पिछले महीने फरवरी में जब मैंने ख़रीदा एक मरतबा तो एक कीमत थी, उसके बाद जब दूसरी मरतबा ख़रीदा तो तकरीबन 80 रुपये लीटर उसमें बढ़ गया था। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हम, कोशिश तो हमारी ये है कि हम अपनी कॉस्ट को कम से कम रखें। इस वक्त हमारी कॉस्ट जो है तकरीबन 1750 रुपया पर चाइल्ड पर मंथ है, उसमें 6 दिन हम उनको देते हैं, ज़ाहिर है संडे को तो ऑफ होता है, तो दैट्स, बट ये मेरा ख्याल है ये बढ़ती रहेगी कीमत भी, और इसलिए जितने हाथ आगे आ सकें और आपका हाथ ज्वाइन कर सकें हम तो कहेंगे बेहतर है। सर आज के लंच में क्या है? जी आज तो चूंकि फ्राइडे है, आज हम कुक नहीं करते क्योंकि आधा दिन छुट्टी होती है, तो आज हम उनको फ्रूट्स देते हैं और अंडा वगैरह न्यूट्रो बॉयल करके दे देते हैं, तो इस किस्म की चीज़ हम देते हैं, तो नॉर्मल 5 डेज़ में कुक्ड फूल होता है। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि इस प्रोजेक्ट को, इस मोटिवेशन को, इस नज़रिए को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? जी हमारा इरादा तो ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि वो हमसाया मुल्क में 18 लाख बच्चे हैं हर रोज़ के, हमने 0 से शुरू किया, अभी 515 हैं, उनको 20 साल लगे। अब मेरा इरादा यही है कि हमारा इदारा जो है ये सारे पाकिस्तान में फैले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मदद करेगा, और जब मैं नहीं भी हूँगा इस दुनिया में तो कोई ना कोई इसको आगे लेकर चले, और तो वो भी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि आई एम सो ग्रेटफुल अल्लाह ताला से का, और कि वो हाथ मैं कहता हूँ पकड़ लिया, और वो एंड इट इज़ अमेजिंग कि किस तरह से वो बस है, और दोस्त अहबाब यू नो वो आपके मदद करें। बहुत शुक्रिया सर, आप आए तशरीफ ले, लोगों में अभी रुझान बढ़ रहा है कि वो इस तरीके से भी स्कूल्स की मदद कर रहे हैं।